हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं हम फर्स्ट पार्ट इसका, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। तो देखो जरा, रिफ्लेक्शन की बात करनी है तो देखो यहाँ पर आप समझना इसको डायग्राम से। देखो ये जैसे हमने यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ मिरर ही लगेगा, ये पॉलिश कर दी हमने। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ लिखा भी हुआ है हमने, वन और टू आर द इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज बना देनी है पहले तो यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये हमने बना दी एक, और एक ये बना दी इस तरीके से। ठीक है, और इनको नाम दे दो आप, ये वन है और ये वाली क्या है हमारे पास, सेकेंड। क्लियर है, तो ये हो गई इंसिडेंट रेज। अब ये इंसिडेंट हैं और यहाँ पर ये कैसा है, एक मिरर है, तो ये इनको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा उसी मीडियम में। तो रिफ्लेक्ट बैक कैसे होती हैं, देखो जरा यहाँ पर ये क्या बनाते हैं हम, नॉर्मल बनाते हैं, और ये हो जाएगी आपके पास इस तरीके से रिफ्लेक्ट। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, इसको हम नाम दे देंगे वन डैश। ठीक है, सिमिलरली ये टू वाली जो रे थी ये भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे, और ये भी रिफ्लेक्ट इस तरीके से आपके पास यहाँ पर हो जाएगी। कितनी बात क्लियर है, और इसको हम बोल देंगे सेकेंड डैश, टू डैश। ठीक है, तो ये हो गई वन डैश, टू डैश क्या हो गई हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रेज हो गई, यही लिखी हुई है। देखो, लेट वन एंड टू आर द इंसिडेंट रेज एंड वन डैश टू डैश आर द रिफ्लेक्टेड रेज। अब देखो यहाँ पर क्या है, वी हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट मान ली है। ठीक है, ये रेज ऑब्वियसली वेदर लाइट ही है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने क्या मान ली, वी मान ली है, और टाइम टेकन बाय लाइट टू गो फ्रॉम बी टू सी और ए टू डी, ये क्या है आपका बी टू सी और ए टू डी। देखो जरा ये वाला जो पॉइंट है, आप मान लो यहाँ पर ये जो गया है इसको ए पॉइंट मान लो, और देखो ये जो आपके पास लाइन दिख रही है ये थोड़ी सी इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जो प्लेन वेव फ्रंट होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल इसके 90 डिग्री पे होंगे इस तरीके से। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, जैसे रेज हैं ये। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट ऐसे ही बनते हैं ना इनके ऊपर। ठीक है, तो ये वाला प्लेन वेव फ्रंट बनाया हमने, क्लियर है, ये रेज पे प्लेन वेव फ्रंट परपेंडिकुलर ही होते हैं, ये रेज क्या होती हैं, वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये वेव फ्रंट बनाया हमने तो ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट मान लिया, ये वाला हमने बी पॉइंट मान लिया यहाँ पर। कितनी बात क्लियर है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप वेव फ्रंट बनाओगे, तो यहाँ पर वेव फ्रंट बनाओगे तो ये भी क्या होंगे आपके पास, वेव फ्रंट, ये 90 डिग्री पे ही बनेंगे इन रेज पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम बना देंगे यहाँ पर, देखो इस तरीके से ये। ठीक है, तो ये हमने 90 डिग्री पे बना दिया। ठीक है, इस तरीके से समझना आप, और ये पॉइंट आप मान लो यहाँ पर, ये वाला सी पॉइंट मान लो और ये वाला पॉइंट मान लो डी। तो अब ये चीज़ बोल रहा है, देखो यहाँ पर, देखो अगर आप ये रेज देखो, ये यहाँ पर इक्वल लग रही है ना, इस पॉइंट तक, ए बी तक, उसके बाद देखो ये बी सी एक्स्ट्रा हो गई, इसको ट्रैवल करने में टाइम लगा इंसिडेंट रे में, और यहाँ पर जब रिफ्लेक्टेड रे में हमने देखा ए डी एक्स्ट्रा है। देखो ये सी से ये लाइन जा रही है, ठीक है, फिर डी से ये लाइन जा रही है, ये तो इक्वल है, लेकिन यहाँ ये ए डी एक्स्ट्रा हो गई, और यहाँ पर देखो अगर आप ए से ये वन और ये बी से टू, ये बराबर है, लेकिन ये बी सी एक्स्ट्रा हो गई, समझ रहे हो बात। तो इसी के लिए बोल रहा है वो कि इंसिडेंट में ये बी सी एक्स्ट्रा है और रिफ्लेक्टेड में ये ए डी एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो उसी के लिए बोल रहा है कि टी इज़ द टाइम टेकन बाई लाइट टू गो फ्रॉम बी टू सी एंड ए टू डी, मतलब बी से सी जाने में, बी से सी जाने में लाइट को, और ए से डी जाने में लाइट को कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। क्लियर है, बताओ इतनी बात, यानी कि वेलोसिटी सेम है और टाइम भी क्या है, सेम है। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो जरा। ठीक है, अब देखना इस चीज़ को, यहाँ पर समझना आप इसको बात को। देखो ये वाला एंगल क्या होता है हमारे पास, ये नॉर्मल है, ये आपके पास इंसिडेंट रे आ रही है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या बनाती है, एंगल आई बनाती है। कितनी बात क्लियर है, ये ध्यान से समझना बात। देखो अब देखो ये जो वेव फ्रंट बनाया था हमने, ये वाला ए बी जो वेव फ्रंट बनाया था ये वाला, ठीक है, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, इस लाइन के साथ, इंसिडेंट लाइन के साथ, मतलब ये वन ए और ये ए बी कितना एंगल बना रहे हैं, 90। तो ये अगर 90 एंगल बना रहे हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा कितना है 90, और ये वाला एंगल कितना होगा, तो इसका मतलब 90 माइनस में आई हो जाएगा, क्योंकि आई माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से ये ए बी लाइन और ये वन ए वाली लाइन पे 90 डिग्री का एंगल है ना, समझ रहे हो, क्योंकि ये वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं रेज पे। ठीक है, या रेज कह दो इन पे 90 डिग्री पे होती हैं। ठीक है, तो वैसे ये 90 है, ये ध्यान से समझना बात, और ये आई एंगल है, तो ये जो बचा एंगल है ये कितना होगा, पूरे में से मतलब 90 में से ये आई माइनस करेंगे तो ये 90 माइनस आई बच जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान देना और इस बात पे, देखो ये नॉर्मल, ठीक है, ये वाला नॉर्मल और ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, सरफेस ये जहाँ डैश बनाया था, ये नॉर्मल इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है,
समझ रहे हो बात क्लियर इतनी। ये 90 बना रहा है ठीक है, मतलब ये नॉर्मल वाली लाइन और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली लाइन जो है ये 90 डिग्री बना रही है। तो ये वाला एंगल बताना जरा कितना होगा। देखो ये वाला तो मैंने आपको बोल दिया पूरा कितना है, नॉर्मल का और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का 90 है ठीक है। तो ये जो बचा है एंगल ये कितना होगा 90, ये पूरा 90 है ये वाला। तो 90 में से ये 90 माइनस आई माइनस करूँगा, माइनस में 90 माइनस आई करूँगा, समझ पा रहे हो। देखो ध्यान से यही तो चीज़ समझनी है, ये नॉर्मल ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना एंगल बन रहा है 90 बन रहा है टोटल, और ये वाला एंगल कितना 90 माइनस आई। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा इस पूरे में से, मतलब ये 90 में से 90 माइनस आई करूँगा तो देख लेंगे कितना एंगल आ रहा है। तो देखो ये 90 माइनस 90 और ये माइनस क्या हो जाएगा इस बाहर माइनस की वजह से प्लस, 90 से 90 कैंसिल, आई आई एंगल हो जाएगा ये, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया आई हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो जरा आप, इसमें भी देखो इसके अंदर भी आपके पास आई होगा और आर होगा ठीक है ना। तो यहाँ आर लेके चलो, देखो ये नॉर्मल और ये रे इस तरीके से जा रही है, तो इस साइड क्या बनता है नॉर्मल के साथ, ये रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के साथ, कौन सा एंगल बनाएगी रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो जरा जल्दी से। फिर वही बात है, ये सी डी क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है, मतलब इस रिफ्लेक्टेड रे के साथ, इस रे के साथ मतलब एक आप समझ सकते हो सी टू डैश, और ये सी डी कितना एंगल बना रहे हैं 90। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना हो जाएगा 90 माइनस में आर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत ठीक है। फिर देखो समझो इस बात को, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पूरा एंगल कितना है 90 है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये नॉर्मल, ये 90 एंगल है। तो ये एंगल कितना होगा, ये जो बचा एंगल ये पूरा तो कितना है 90, और ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो ऑब्वियस बात है ये पूरा 90 है। अगर ये 90 है माइनस करेंगे ये वाला एंगल कितना है, ये 90 माइनस आर कितना हो जाएगा 90 माइनस 90, और ये प्लस का आर बन जाएगा बाहर माइनस है, तो ये कितना आ गया आर आ गया। तो ये वाला जो एंगल जो बचा है ये पूरा कितना एंगल है हमारे पास आर एंगल है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बस इतनी बात समझनी है, इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें डेरिवेशन में। देखो जरा अब आपको पता है जो टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम मिल जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बन जाएगा या नहीं ठीक है। अब देखो जरा यहाँ हम टाइम निकालते हैं, देखो टाइम पहले इसके लिए देखते हैं, ये वाली जो आपके पास BC थी ठीक है, BC के लिए, तो यानी कि BC क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, BC इज द डिस्टेंस, तो BC डिस्टेंस ऊपर आ गया हमारे पास। और स्पीड, स्पीड हमने कितनी मानी थी V मानी थी इनकी, जो लाइट की जो वेलोसिटी है वो कितनी मानी थी V, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे V आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो जरा जल्दी से, कोई इसमें दिक्कत किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से ये आ गई आपके पास BC बाई V, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इसी तरीके से टाइम निकाल दो इसका AD वाले का, ये एक्स्ट्रा था पाथ हमारे पास ठीक है ना, एक तो BC एक्स्ट्रा पाथ था और ये एक AD एक्स्ट्रा पाथ था, समझ रहे हो ना क्यों था एक्स्ट्रा। ये देखो ये दो रेज आ रही हैं ठीक है, इनमें एक्स्ट्रा पाथ ये BC बन गया, और इधर जो ये दो रेज आ रही हैं इनमें एक्स्ट्रा पाथ ये AD बन गया ठीक है। तो इसका टाइम देख रहे हैं, अब हम AD का टाइम देख लेते हैं, डिस्टेंस AD है और वेलोसिटी V ही होगी इसकी भी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। इस जो पर्टिकुलर केस है ये रिफ्लेक्शन वाला, इसमें ये याद रखना है कि वेलोसिटी क्या है यहाँ पर सेम है और टाइम भी सेम है। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब क्या करो यहाँ से इक्वेट कर दो, इक्वेट वन एंड टू ठीक है, क्योंकि टाइम सेम है तो इक्वेट हो सकते हैं। तो ये आ जाएगा देखो बी सी बाई वी इज इक्वल टू में ए डी बाई वी, क्लियर है, वी से वी कैंसिल, यहाँ से आ गया हमारे पास बी सी इक्वल टू में ए डी, इसको आप थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर दो। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ जरा, समझ में आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इस बी सी और ए डी की वैल्यू निकालनी है ठीक है। बी सी और ए डी की वैल्यू देखो कहाँ से निकलेगी, देखो ये वाला बी सी, देखो ये वाला बी सी, अगर ये बी सी मैं देखूँ कौन से ट्रेंगल में आ रहा है, ए बी सी वाले ट्रेंगल में आ रहा है, तो इसको कंसिडर कर लो। देखो इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी कंसिडर कर लिया हमने ठीक है। ए बी सी में ये देखो जरा ध्यान से एंगल कौन सा आ रहा है ए बी सी में, ये ए है ये बी ये सी, ए बी सी में अगर आप देख रहे हो एंगल आई आ रहा है ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको बनाऊँ इस तरीके से, देखो ऐसे बन रहा है, ये ए है ये बी है ये सी है और ये एंगल आई आ रहा है ठीक है। और ये वाला देखो ये बी सी और ये वाला वेव फ्रंट, यहाँ पर कितना एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ है 90 डिग्री का एंगल, समझ रहे हो, अलग से बना के दिखा दिया। तो देखो थीटा ये हो गया, थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो जो बचा वो क्या होता है बेस बन जाता है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल आई है ठीक है, तो यहाँ पर हम एंगल ले लेंगे साइन आई ठीक है। साइन आई बताओ जरा क्या आएगा साइन आई, अब यहाँ पे याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बी सी है, और हाइपोटेन्यूज कितना है ये हमारे पास
ये वाली देख लो ज़रा ध्यान से, ए सी है, कितनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब देखो ये हमने यहाँ पर साइन आई ही क्यों लिया, साइन में ही क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है ये साइन के अंदर हमारा पी बाई एच होता है, तो पी बी सी ये हमें नहीं चाहिए यहाँ से, समझ रहे हो, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर बी सी बन रहा था इसलिए बी सी चाहिए हमें। ठीक है, और हाइपोटनिस ए सी, ये वाली ए सी ये कॉमन है अभी दोनों ट्रायंगल में, कौन से दोनों ट्रायंगल देखना अभी समझ में आएगा आपको। अब हमें ए डी भी चाहिए ना, तो ए डी वाला ट्रायंगल देखो कौन सा बनेगा, ये वाला ए डी सी बनेगा, तो ए डी सी और ये ए बी सी में ए सी कॉमन थी तो इसलिए ए सी भी ले लिया हमने साथ में, समझ रहे हो, तो इसलिए हमने ये चीज़ सोची कि साइन में लेंगे। ठीक है, और अगर ये चीज़ नहीं बच रही है तो ध्यान में रखना कि साइन में लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे हम यहाँ पर, अगर यहाँ से देखें हम बी सी की वैल्यू, तो बी सी की वैल्यू पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी ये ए सी इंटू में साइन आई। ठीक है, बात इतनी क्लियर है इतनी कहानी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बी सी यहाँ से, ऐसे ही हम अब ए डी निकाल लेंगे, तो उसके लिए इन ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, ये ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो देखो ए डी सी ये वाला है। ठीक है, ए डी सी देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ए डी सी इस तरीके से बन रहा है ये। ठीक है, ये ए है, ये डी पॉइंट है, ये सी है, और ए डी सी में ये एंगल आर है पूरा, ये वाला एंगल आर बन रहा है, समझ रहे हो, तो इसमें भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप क्या करो, देखो साइन आर ले लेंगे हम, और ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ये देखो ये वेव फ्रंट इन रेज के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री का, तो यहाँ से देखो जरा साइन आर ये भी क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर हाइपोटनिस होता है अपॉन में। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, देखो ये क्या है हमारे पास एंगल है, मतलब थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला हमेशा हाइपोटनिस होता है, और जो बचता है वो बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया यहाँ पर ए डी आ गया, और हाइपोटनिस कितना आ गया यहाँ पर ए सी आ गया। तो अब समझ में आएगा देखना आपको कि क्यों कंसिडर किया इस तरीके से, ए सी साइन आर हो जाएगा, समझ रहे हो, ये वाली चीज़ इसके इक्वल है ना, ये तो फॉर्मूला ही लिखा था ना पी बाई एच, तो ए सी इंटू में साइन आर हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास इधर से ए डी हो गया, तो ए डी भी आ गया हमें या नहीं आ गया बताओ ज़रा। अब देखो ज़रा, आपको थर्ड इक्वेशन पता थी, क्या थी वो आपके पास, बी सी इक्वल टू ए डी, तो देखो यहाँ पर फ्रॉम थर्ड बी सी इक्वल टू क्या है हमारे पास ए डी है, बी सी की वैल्यू रखो ज़रा कितनी है, ए सी साइन आई इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास देख लो यहाँ पर, ए सी साइन आर, तो देखो यहाँ से ए सी कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन आई इक्वल टू में साइन आर, तो ये साइन से साइन ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, आई इक्वल टू आर भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या करते बोथ साइड साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, देखो जैसे यहाँ करता हूँ मैं, जैसे ये होता है साइन आई इक्वल टू में साइन आर है। ठीक है, तो साइन इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई और साइन इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई, तो साइन से ये कैंसिल हो जाते हैं ना इनवर्स, तो सिंपल आई इक्वल टू आर बचता, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप साइन से साइन कैंसिल, तो आई इक्वल टू में आर, तो ये कौन सा लॉ होता है हमारे पास, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो होता है। ठीक है, तो यही इसमें बताना था हमें, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, वेव थ्योरी से भी हमने रिफ्लेक्शन को बता दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या ले आए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे, ये क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बस यहीं तक करना था आपको, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में बताया था आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाना है आपको, ठीक है, और यहाँ तक करना है, क्लियर है इतनी बात समझ में आया है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे इसमें, रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर, ये समझ में आया, इजी था, ओके जी, थैंक यू।